छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाले छिंदी क्षेत्र के किसान इन दिनों बिजली आपूर्ति के संकट से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही तामिया क्षेत्र के किसान हैं जहां विगत दिनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे और क्षेत्र की आदिवासी जनता की समस्याओं को सुनने राज्यपाल ने तामिया क्षेत्र का भ्रमण भी किया था। तब किसानों ने राज्यपाल को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने हवाला दिया था कि 4 दिनों में किसानों के बिजली संकट को खत्म कर दिया जाएगा। मगर समस्या खत्म नहीं हुई तो आज छिंदी क्षेत्र के किसान जिला मुख्यालय अपनी अर्जी लेकर पहुंचे, जहां किसानों ने कल छिंदी सबस्टेशन का घेराव करने और भूख हड़ताल जैसे व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। जिला अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आए थे। हमारे यहां जो है लगभग 1 महीना हो गई बिजली, कभी 10 मिनट के लिए आती है, कभी आधा घंटा के लिए आती है, और इनका जो समय सीमा है हमें रात में 2 बजे लाइन चालू करती हैं, तो जिसमें 10 बार ट्रिप होती है। तो हमारे किसानों की बोनी नहीं हुई है, खेत में बीज पड़ा हुआ है और पानी नहीं होने से, इसलिए आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। लेकिन कलेक्टर महोदय की छुट्टी में जाने की वजह से हम जिला पंचायत सीओ साहब से मिलने गए, जिला पंचायत सीओ साहब भी नहीं मिले, तो हम श्रीमान संयुक्त कलेक्टर वैद्य साहब से मिले और अपनी समस्या बताए। और अब कल जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू होगा छिंदी में, जिसमें यहाँ का जिला प्रशासन जवाबदार रहेगा अगर किसी तरह की हानि हुई। हम तो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, हम आंदोलन पे कल अगर समस्या 2 दिन में हल नहीं हुई तो क्या मालूम कितने किसान भाई यहाँ आकर आत्महत्या पे उतारू हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जुधिया प्रसाद भलावी। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।